गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज इंटीजर्स एंड व्हाट आर इंटीजर्स। पहले हमारी डेफिनेशन है इंटीजर्स कहते किसे हैं। ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरोस आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो लिखते कैसे इंटीजर्स को, जैसे मैंने इसे इस तरह से लिखा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू। जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड है ऑल द नेगेटिव नंबर्स हैं, और जीरो के इस साइड राइट हैंड साइड जो है ऑल द पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं? ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। एंड हाउ वी ऐड द इंटीजर्स, हम इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे लेस करते हैं, दिस इज अवर टॉपिक टुडे। तो इंटीजर्स को ऐड करना और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट यू हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर फॉर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन, हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो किस तरह से ऐड करते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन टू इंटीजर्स, मैंने दो इंटीजर्स ले लिए। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, पहले मैंने दोनों प्लस के ले लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो मैंने ले लिया 9 और एक मैंने ले लिया 8। ठीक है, तो 9 में ये हमारा a है, ये b है, तो चाहे मैं a में b प्लस करूं या b में a प्लस करूं, बोथ आर सेम, दीज आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जो इंटीजर्स हैं ऐड करते समय, अगर मैं उसे ऐड करती हूं, जैसे a में b प्लस किया या b में a प्लस किया, 9 में 8 प्लस करेंगे या 8 में 9 प्लस करेंगे, बोथ आर सेम। So this is our first properties, integers close होते हैं under addition। जैसे एक मैं minus का ले लेती हूँ, -13 और -9, ये भी integer है, क्योंकि integers जो है all the negative numbers and positive number including with zero are called integers। इसे हम क्या कहते हैं? Integers कहते हैं negative number को और पॉजिटिव नंबर्स को। तो मैंने दोनों पहले इंटीजर कौन से ले लिए आपके, अब पहले मैंने पॉजिटिव लिए हैं, अब मैं नेगेटिव सॉल्व करती हूँ और दोनों को ऐड करते हैं। -13 में -9 प्लस किया या -9 में -13 प्लस किया, तो बोथ आर सेम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। -13 में -9 प्लस करते हैं -22, और -9 में -13 ऐड करते हैं तभी भी हमारा क्या आएगा, -22। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ जाएगा, हमारा इक्वल आ जाएगा। सो अंडर एडिशन द ये जो प्रॉपर्टी है हमारी कि इंटीजर्स जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। अब मैं बताती हूँ कि ये हमारा रूल होगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बोथ आर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। और सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, ये नोट करते जाना साथ साथ, इसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एडिशन भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसे लिख देती हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पहले मैंने ये बताई है कि वो क्लोज अंडर एडिशन होते हैं, अभी मैं बता रही हूँ आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। हम जब ऐड करते हैं इंटीजर को, एडिशन ऑफ इंटीजर, जैसे फॉर एग्जाम्पल -3 में मैंने 7 प्लस किया, तो ये आ गया हमारा
सेवन में से थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्या आ गया, फोर आ गया। और अगर मैं सेवन में माइनस थ्री प्लस करती हूँ तब भी ये हमारा क्लोज किससे होगा, यहाँ पर ये माइनस का इंटीजर है, ये प्लस का, तभी भी हमारा क्या आएगा, फोर आएगा। तो इट मीन्स ए और बी अगर दो इंटीजर हैं तो ए में बी प्लस करो या बी में ए प्लस करो, बोथ आर सेम। तो ये हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ इंटीजर। और पहले मैंने बताई थी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब होता है कि इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तब भी इंटीजर ही आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 13 में 4 प्लस किया तो 4 भी इंटीजर और 7 भी क्या इंटीजर है, ये क्लोज अंडर क्लोज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं माइनस 13 में 4 प्लस करती हूँ तब भी हमारा माइनस 17 आया। तो इंटीजर में इंटीजर प्लस किया चाहे माइनस वाले किए तो भी इंटीजर आया। और ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है कि अगर मैं ए में बी प्लस करती हूँ या बी में ए प्लस करती हूँ, बोथ आर सेम। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर तीन इंटीजर आ जाए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर तीन मैंने इंटीजर ले लिए, मैंने थ्री इंटीजर ले लिए, एक ले लिया 7, एक ले लिया माइनस 13 एंड एक ले लिया 24। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों को मैंने ऐड किया। पहले कोई भी ग्रुपिंग बना सकते हैं, ए में बी प्लस करके बाद में सी प्लस कर दो या ए में सी प्लस करके बाद में बी प्लस कर दो, बोथ आर सेम। तो मैंने पहले ए में बी प्लस किया और बाद में सी प्लस किया मैंने, ठीक है। और एक तो हमारी प्रॉपर्टी ये है और दूसरा ए मैंने बाहर ही रहने दिया और बी में सी प्लस कर दिया, ठीक है। यहां पर मैंने ए में पहले बी प्लस किया है बाद में सी किया और ए को मैंने यहाँ सेपरेट कर दिया और बी और सी को प्लस किया। तो क्या ये क्लोज होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये हमारा प्रूव होता है। तो माइनस 13 में 7 प्लस करेंगे हमारा क्या आएगा, माइनस 6। 13 में से क्योंकि ये माइनस का है 13 और ये 7 हमारा क्या है, प्लस का है। तो माइनस 13 प्लस 7 हमारा क्या आएगा, माइनस 6। और ये है हमारा प्लस 24 और ये है हमारा 7। 24 में से 13 चला गया, ये हमारा है 11। तो 24 में से 9 6 सबट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा आ गया 18। और 11 में 7 प्लस करेंगे, ये भी हमारा क्या आ गया, 18। इसका रूल क्या हो गया कि ए में बी प्लस किया और बाद में सी प्लस करेंगे या ए अलग से सेपरेट रख दिया बी में सी प्लस करेंगे, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ये हम इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे किस तरह से अप्लाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये मैंने आपको बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हम और इसी प्रॉपर्टी का एक और एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं। कोई भी थ्री इंटीजर्स ले लिए, अभी मैं प्लस के ले रही हूँ, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अभी मैंने तीनों ऐड के ले लिए। तो पहले अगर ए में बी प्लस करते हैं और सी को सेपरेट ऐड करते हैं या ए को सेपरेट ऐड करते हैं और बी और सी को कंबाइन कर लेते हैं, तो क्या ये तीनों सेम आएंगे, दोनों ये वाले सेम आएंगे ऐड करके, 1 में 2 प्लस करो या बाद में 3 प्लस करो, और ए को सेपरेट रहने दिया, पहले बी और सी को ऐड कर लिया। तो 1 में 2 प्लस किया 3, 3 प्लस 3 क्या आ गया हमारा 6, और राइट हैंड साइड पे 3 में 2 प्लस करके 5, 5 में 1 प्लस किया तो ये भी हमारा क्या आ गया, 6। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ओके।
ये दो प्रॉपर्टीज पहले मैंने क्लियर की हैं, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और एक मैंने किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और एक मैंने ये बताया आपको कि जो इंटीजर्स होते हैं उसे जब हम ऐड करते हैं तो भी इंटीजर्स ही आता है, इंटीजर्स आर बाय एडिंग क्लोज्ड अंडर एडिशन, तभी भी वो क्या आएंगे, इंटीजर्स ही आएंगे। और नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन वी स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 1.2। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 में 0 प्लस किया तभी भी हमारा 4 आएगा, या फिर मैं 0 में 4 प्लस कर दूं तब भी हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 में 0 प्लस करेंगे तो 0 नहीं आएगा, 4 में 0 प्लस करेंगे हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। 0 प्लस तब भी हमारा क्या आएगा, 0, 4 ही आएगा। तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब जनरल में हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि ए में 0 प्लस करो तब भी ए ही आएगा, या 0 में ए प्लस करो तभी भी वो किसके इक्वल होगा, ए के ही क्या होगा, इक्वल होगा। ये आइडेंटिटीज आपकी 8th क्लास में भी सेम फॉलो होंगी, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझो। एडिटिव इनवर्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं तो 5 का एडिटिव इनवर्स अगर मुझे फाइंड करना है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5, साइन इज चेंज ओनली। और अगर यहाँ -5 होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ additive inverse of 5 is -5, और अगर -5 का additive inverse चाहिए तो वो क्या होगा आपका, +5। और अगर इसे आपने verify करना है, 5 का additive inverse -5 है, 5 का additive inverse क्या है, -5, तो अगर आप 5 में -5 plus करते हो तो ये किसके equal आ जाएगा आपका, 0, क्योंकि 5 में से 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो इट इज इक्वल टू 0। तो एडिटिव इनवर्स 5 का क्या हो गया, -5, और -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +5। अब एक तो क्वेश्चन लेते हैं पहले आपके, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन की बताती हूं मैं। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, नंबर 1, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक आल्सो एंड लिसन केयरफुली। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -m। आपको दो ऐसे पेयर बताने हैं इंटीजर्स के जिसका सम जो है -7 आना चाहिए, जिसका टोटल -7 आना चाहिए, और वो इंटीजर जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, मतलब कि उसको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके भी कर सकते हो। यहाँ पर स्पेशली ये मेंशन नहीं है कि कौन सा नेगेटिव लेना है या कौन सा पॉजिटिव लेना है, तो ये आपको अपने माइंड में सेटल करना है कि कौन से ऐसे पेयर ले हम इंटीजर्स के कि उनका सम जो है वो -7 आना चाहिए। If I take -4 and -3, and if I adding -4 में अगर मैं -3 add करती हूँ, I will add -4 में मैंने -3 add किया तो हमारा क्या आ गया, -7 आ गया ना। तो क्योंकि हमें वो sum is, sum का मतलब हमें उसे add करना है, और इंटीजर के बारे में ये नहीं दिया हुआ था यहाँ पर कि नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। यू कैन टेक 2 नेगेटिव ऑल्सो एंड 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव ऑल्सो। मैं इसका और एक एग्जांपल देती हूँ, आपको क्या लाना है, -7 लाना है। तो इफ आई टेक -8 तो मैंने माइनस का ले लिया, और +1 आई हैव टेकन पॉजिटिव इंटीजर,
तो एक मैंने नेगेटिव लिया, एक पॉजिटिव लिया, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो देयर ऑल्सो कम्स आउट -7। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, इसे आप ट्राई करना कि कौन से ऐसे इंटीजर लें। ये मैंने दोनों नेगेटिव लेकर दिखाया आपको, और ये मैंने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेकर दिखाया है कि कैसे इन दोनों का सम जो है किस तरह से नेगेटिव आएगा और -7 भी आएगा। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन ले लूं, सेम क्वेश्चन लिया मैंने, अब मैंने यहाँ पर लिखा कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हू सम इज -3, उसका सम जो है -3 आना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा -7 -10 +7। -10 में अगर मैं +7 करती हूँ, एक इंटीजर मैंने पॉजिटिव लिया है, 7 के आगे कोई साइन नहीं है तो इट मींस इट इज पॉजिटिव, और 10 के आगे माइनस लिखा है इट इज नेगेटिव। तो -10 में 7 प्लस किया इट इज इक्वल टू -3, तो हमारे पास सम क्या आना चाहिए था, -3। आप कोई और भी ले सकते हो, जैसे मैंने दोनों नेगेटिव ले लिए, -1 और +-2, आई हैव टेकन टू नेगेटिव इंटीजर इन दिस टाइम। तो अगर मैंने दो नेगेटिव इंटीजर लिए और उनको मैंने ऐड किया तो उनका सम भी हमारा क्या आ गया, -3। नाउ इट इज क्लियर कि अगर हमने नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, ये मेरे दोनों नेगेटिव इंटीजर थे, तो उनका एडिशन भी हमारा क्या आ गया, -3, उनका सम भी क्या आ गया, -3, और ये मैंने एक नेगेटिव लिया और एक पॉजिटिव लिया तो उनका सम भी हमारा क्या आ रहा है, -3। अभी मैं एक क्वेश्चन और करती हूँ। अब यहाँ पर सम की जगह मैंने लिख दिया है डिफरेंस। नाउ आई हैव रिटन दिस टाइम डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, ठीक है। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -5। अब इसका डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर, डिफरेंस जो है अगर मुझे -5 लाना है तो किस तरह से हम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा -40, दो इंटीजर पहले ले लेते हैं, ठीक है, -14 और -9 लिया, ठीक है। तो -14 और -9 अगर मैं डिफरेंस निकालती हूँ, डिफरेंस मतलब यहाँ मुझे माइनस लिखनी, और दो साइन को मैं इकट्ठे प्रॉपर एक साथ नहीं लिख सकती, सो आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट, मैंने इसे ब्रैकेट में पुट किया है। नाउ -14 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस, तो -14 में से 9 चला गया, ये हमारा क्या आ जाएगा, -5। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसा और भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया -15 और यहाँ पर ले लिया मैंने -10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा -15 -10। तो तो हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पर माइनस पर लगेगा। एक क्वेश्चन और ले रही हूं मैं। जैसे राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर whose difference is 4, जिसका difference 4 आना चाहिए। तो हम ऐसा कौन सा इंटीजर लें
क्योंकि हमें कोई स्पेशली मेंशन तो है नहीं कि कौन सा प्लस लेना है या कौन सा माइनस लेना है, बस डिफरेंस जो है वो फोर आना चाहिए, प्लस का फोर आना चाहिए। तो इफ आई विल टेक एट, तो मैंने प्लस का ले लिया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने फोर में प्लस का ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्लस फोर। आप ऐसा कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे मैंने सेवन में से अगर थ्री सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सेवन में से थ्री सब्ट्रैक्ट करने पर भी डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, फोर। ये भी इंटीजर थे दोनों और जब हमें सब्ट्रैक्ट किया तब भी ये हमारा क्या है, इंटीजर्स। और अगर हमें पेयर स्पेशली कह रखे हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव लेनी है तब कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब हमें दोनों नेगेटिव लेने हैं, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference is 5, whose difference is 5, जिसका difference जो है वो 5 आना चाहिए, और दोनों negative integer लेंगे और यहाँ पर difference जो है वो plus 5 आना चाहिए। तो अगर मैंने minus 8 और minus 13 लिया तो मैं इसे अगर इसका difference निकालती हूँ तो difference का मतलब होते हैं मुझे ये किस तरह से लिखना है, यहाँ पर माइनस का साइन डालना है। मैंने आपको बताया था माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ गया, और 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारा क्या आ गया, प्लस 5। तो दो ऐसे इंटीजर नेगेटिव लेने थे, दोनों नेगेटिव होने चाहिए थे। अब तो स्पेशली यहाँ पर मेंशन था कि दोनों नेगेटिव लेने हैं, सो आई हैव टेकन बोथ द नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस का मतलब वी विल पुट दिस साइन माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा प्लस आ गया, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारा क्या आ गया, प्लस 5। ओके, अब हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट है, राइट ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर वो सम इज माइनस 8। अब एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना, वन इज नेगेटिव, राइट अ पेयर ऑफ, राइट अ नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर राइट अ नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर वो सम इज माइनस 8, whose sum is minus 8। आपको कैसे लेना है, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, और उसका जो टोटल है उसका जो सम है वो क्या आना चाहिए, माइनस 8। तो मैंने एक पहले नेगेटिव इंटीजर ले लिया, ओके, और एक मैंने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर दूसरी ब्रैकेट में, ये हमारा माइनस है ये हमारा प्लस है, ओके। और इसका जब मैं टोटल करूंगी, इसका जब मैं सम करूंगी, तो माइनस 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 8। एक नेगेटिव लेना था और एक पॉजिटिव। ध्यान रखना, आप इसका कुछ और एग्जांपल भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे माइनस 8 लाना है तो मैंने यहाँ पर माइनस 17 लिख दिया और यहाँ पर प्लस 9 लिख दिया, तब भी हमारा क्या आएगा, माइनस 8। ऐसा नहीं है कि मैंने ये एग्जाम्पल दिया तो यू विल राइट दिस सेम द एग्जाम्पल, you can write another one also। Now our next part is write a negative and a positive integer। अब आपको एक नेगेटिव लिखना है और एक पॉजिटिव, बट राइट अ नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर and a positive integer whose difference is, अब आपको एक negative और positive लेना है पर उसका difference जो है वो क्या आना चाहिए, minus 3। तो पहले तो मैं integer लूंगी, जैसे for example एक minus 1 तो मैंने negative का ले लिया और plus 2 जो है मैंने positive का ले लिया,
और अब मैं इसका डिफरेंस करके देखती हूँ। यहाँ पर मैंने इसका डिफरेंस किया, ये प्लस टू है और वन माइनस का है, तो जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगी, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करूंगी दोनों को, तो माइनस वन माइनस टू, दोनों साइन माइनस के हैं। व्हेन द टू साइंस आर माइनस, माइनस टू साइंस आर गिवन, देन द इंटीजर आर एडेड एंड साइन कौन सा लगेगा आपका, माइनस का लगेगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस थ्री। तो आपका यहाँ पर डिफरेंस क्या आना चाहिए था, माइनस थ्री। यू विल नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना इसका। और फोर्थ भी ट्राई करना। मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन बता रही हूँ, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक से ज्यादा इंटीजर्स दे रखे हैं तो आप उसका सम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर, अगर आपको डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स दे रखे होते हैं तो आप उसका सम कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दे रखा है माइनस 72, फिर है 237, देन 84, नाउ नेक्स्ट वन इज 72 एंड नेक्स्ट वन इज माइनस 184 एंड द नेक्स्ट वन इज माइनस 37। अब आपको इनको सबको क्या करना है, इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। पहले इसको लिखने का मेथड क्या होगा, माइनस 72 में आपको क्या प्लस करना है, 237, फिर आपको क्या प्लस करना है, 84, फिर क्या प्लस करना है, अगेन 72, फिर क्या प्लस करना है, माइनस 184, और फिर लास्ट में आपको क्या प्लस करना है, माइनस 37। अब जब मैंने आपको कहा था कि अगर दो साइन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस 184 ऐड करना था 72 में, तो यहाँ पर मैंने बाहर प्लस लिखा है और अंदर यहाँ पर क्या है, माइनस 184। ऐसे ही आपको ऐड करना है, माइनस 37 ऐड करना है, तो बाहर मैंने प्लस का साइन पुट किया है और ब्रैकेट में क्या किया है, माइनस। तो अब आप इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है सारे को। अब माइनस 72 में से प्लस 72 चला गया, तो ये दोनों कैंसल हो गए, क्योंकि 72 में से 72 माइनस करेंगे, बोथ आर कैंसल, ये जीरो आ जाएगा आपका। अब आपका 237, इंटीजर्स को हमेशा ऐड करते समय ये ध्यान रखना कि उनका सुटेबल अरेंजमेंट बनाएं ताकि हम उसको इजिली ऐड कर पाए। तो 237 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले हम, यहां प्लस करना था और बाहर था, अंदर ब्रैकेट में था माइनस का साइन। प्लस 84 और यहाँ है माइनस 184। नाउ 237 में से 37 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, 237 में से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 200। और माइनस 184 में से यहाँ पर साइन देख लो, प्लस बड़े के साथ माइनस का साइन है और छोटे के साथ प्लस का साइन है। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन जो है, जब हम इसे ऐड करेंगे, साइन तो हमारा माइनस का लगेगा ग्रेटर इंटीजर का, और इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये आ गया आपका माइनस 100। नाउ 200 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नाउ द आंसर इज 100। नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू कि हम अगर आपको एक से ज्यादा इंटीजर दे रखे होते हैं तो हम इंटीजर्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम द एग्जांपल कि कैसे हम अगर एक से ज्यादा इंटीजर्स दे रखे हो तो हम एक से ज्यादा इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो हमारा एक तो मैंने आपको इसमें प्रॉपर्टी में बताया कि इंटीजर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स जो एडिशन की है वो भी बताया, और सब्सट्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी बता देती हूँ आपको। तो
प्रॉपर्टीज ऑफ, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ, यस नाउ क्लोजर अंडर एडिशन सबसेक्शन के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है इंटीजर्स का, कि अगर हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी क्या आता है, वो इंटीजर्स ही आता है। जैसे मैंने 9 और -13 ले लिया, तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +13, और 13 प्लस 9 क्या हो गया, 22। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी क्या आया, इंटीजर आया। ठीक है, तो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, अंडर सब्सट्रैक्शन और एसोसिएटिव अंडर सब्सट्रैक्शन जो है, बोथ आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये जो है, ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो इंटीजर्स था, और 1.2 एक्सरसाइज आई हैव कंप्लीटेड। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस 1.2 एक्सरसाइज, यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक्स आल्सो, एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, हम इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक एंड एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द इंटीजर्स, देन यू कैन आस्क स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क। टुमारो वी विल डिस्कस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, कि हम इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।